केंद्रीय स्थित शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम युवा तरंग का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर नीतू वर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर गुप्ता ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें कॉलेज में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कला ईश्वर की देन है और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से न केवल व्यक्तित्व का विकास होगा बल्कि छिपी हुई प्रतिभा भी उभर कर सामने आएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर डॉक्टर नीतू वर्मा ने बताया कि युवा तरंग के तहत गायन वादन व नृत्य प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें कॉलेज के कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में लोक गीत गायन में बीए फाइनल ईयर का छात्र रामदेव पहला तथा वर्षा दूसरे और बीए सेकंड ईयर की छात्रा सुवर्षी तीसरे स्थान पर रही। हिंदी गीत गायन में बीए फाइनल ईयर की छात्रा अंजलि पहले तथा अलीशा दूसरे और फातिमा तीसरे स्थान पर रही। भजन गजल गायन में बीए फाइनल ईयर की छात्रा फातिमा पहले, अंजलि दूसरे और रवि कुमार तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर अनामिका रंगा, डॉक्टर मीनाक्षी और प्रोफेसर स्नेहा यादव ने निभाई। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। युवा तरंग का आयोजन किया गया।
में लगभग 100 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अंतर्गत जो हमारी गतिविधियाँ थी वो मोनो एक्टिंग, मिमिक्री, सिंगिंग, डांस, श्लोक गायन, कविता गायन इत्यादि रही। और इस प्रकार की गतिविधियाँ जो है वो व्यक्तित्व के विकास और प्रतिभा को निखारने में मदद करती हैं। और समय समय पर महाविद्यालय में इस प्रकार की प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए बच्चों को अवसर दिया जाता है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार का और विद्यार्थियों का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज अनुशासन में रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों में जैसे अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं तो उस जिले लेवल पे भी ऐसे ही अपने आप हमारे यहाँ हर साल जो है वो जो यूथ फेस्टिवल होता है जिसके अंदर अब जैसे ये एक्टिविटी हुई है इन्हीं के माध्यम से हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे इन पे वर्कआउट करते हैं। अभी तो जो इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया ये इनके सेल्फ मेड है, बट उसके बाद हम बच्चों को चुन के उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं ताकि इनकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सके। तो बच्चों क्या संदेश देना चाहोगे आगे? बच्चों को मेरा यही संदेश है कि उन्हें इस प्रकार की एक्टिविटी में जो है वो भाग लेना चाहिए क्योंकि ये केवल उनके अंदर है एक मंच के अंदर जो ऊपर आने पे उनमें डर होता है उसको दूर करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर आप कभी भी कहीं पर भी तो उनके JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।